हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? सब मुझे कह रहे थे बहुत ज़्यादा कि एक व्लॉग शूट करें, तो आज मैं दोपहर में ही छत पे आई वीडियो वो शेप्स बनाने के लिए, टेक्सचर निकालने के लिए। ये वाला टेक्सचर मैंने निकाला है अभी, तो सोचा छोटा सा व्लॉग बना लूँ और वीडियो भी शूट करनी है, एक ये वाली और हेक्सागोन शेप्स वाली और एक ये वाइट कंक्रीट की वीडियो है, ये शूट करनी थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग भी साथ साथ शूट कर लें और आपको अपना वर्क प्लेस भी दिखा दें और टेक्सचर भी दिखा दें। ये अभी अभी मैंने वीडियो ये बनाई है शेप्स मड के, येलो येलो सैंड है, और इसकी हम अभी वीडियो शूट करने लगे थे। ये देखिए ये ग्रेनी मड है, आज धूप में ही हम आ गए हैं ऊपर, धूप बड़ी मज़े की थी तो सोचा आपके साथ थोड़ा सा शेयर करते हैं। बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है व्लॉग बनाने के लिए, तो आज ये देखेंगे। हमने मिनी स्ट्रॉबेरीज बनाई हुई हैं, इट्स अ ब्लैक कंक्रीट टेक्सचर्स, ये इसकी ह्यूज बकेट्स हैं, और ये देखें रेड डर्ट कर तो हमने 3 शेप्स निकाली हुई हैं। ये स्ट्रॉबेरीज हैं, ये मैंने आज धूप अच्छी थी तो मैंने सोचा शेप्स थोड़ी सी टर्न करके रख दें ताकि धूप लग जाए और हमारे टेक्सचर्स ड्राई हो जाएंगे। ये प्योर चारकोल है, ये हमारा टेक्सचर है वाइट स्टोन का, सैंड सीमेंट एंड वाइट कंक्रीट, और ये हमारा है स्टोन क्रश विथ सैंड सीमेंट, और हमने प्योर सीमेंट का, हाँ मैंने आपसे शेयर करना था, प्योर सीमेंट मैं लेकर आई थी, उसकी कुछ हमने शेप्स बनाई और वीडियो शूट की, लेकिन वो हमसे क्या हुआ, वीडियो शूट की लेकिन उसकी आवाज़ नहीं है रिकॉर्ड हो सकी ड्यू टू सम माइक प्रॉब्लम, मेरे मोबाइल पे अटैच ही नहीं हुआ वो माइक और उसका साउंड ही नहीं आया। अब वो मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है लेकिन मैंने अभी उसकी अपलोड नहीं की क्योंकि उसका साउंड ही नहीं था। तो आप सब मुझे कमेंट्स इस व्लॉग के नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी वो वाली वीडियो अपलोड कर दूँ बगैर वॉइस के या ना करूँ क्योंकि उसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी। अब मैंने ये टेक्सचर उसका उसको किया है, अब इसको रीन्यू करके तो फिर दोबारा इंशाल्लाह प्योर सीमेंट की इंशाल्लाह हम न्यू शेप्स बना के फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको वीडियो भी बनाऊँगी, क्योंकि प्योर सीमेंट की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपके सारे टेक्सचर ग्रेनी हैं तो आप प्योर सीमेंट के टेक्सचर जो हैं वो बनाएं। बाकी हम आपके साथ अभी वीडियो शूट करते हैं और साथ साथ आपको BTS भी शेयर करते हैं कि कैसे हम वीडियो करते हैं, तो बाकी आपके साथ शेयर भी करते हैं। ओके लेट्स सी, अब हम वीडियो बना लेते हैं। ये देखें अब हम ये वीडियो शूट करने लगे हैं। ये देखें ये हमने सेटिंग कर ली है, अब हम इसकी फ्लोर क्रमलिंग करने लगे हैं। ये देखें इस टेक्सचर की हमने फ्लोर क्रमलिंग कर ली है, लेकिन मैंने वीडियो एंड की तो पता चला कि इधर ये एक शेप जो थी वो बाकी रह गई थी, तो मैंने सोचा इसको हम ब्लॉग में ही क्रम्बल कर लेते हैं। ये
ये पीछे वाला साउंड जो है वो अवॉइड कीजिएगा, बलून्स वाले का, बलून वाले का। ओके नेक्स्ट, अब हम इस टेक्सचर की वीडियो जो है वो शूट करने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से ना हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे टेक्सचर्स ही रेडी नहीं थे, हम लोग बिजी बहुत ज़्यादा थे। हमारे घर एक छोटी सी नन्ही सी बेबी आई हुई थी, मेरी छोटी सिस्टर की बेटी हुई है, तो हम हॉस्पिटल में बिज़ी थे, तो बस इस वजह से हम काम थोड़ा नहीं कर पाए। तो अब वो माशाल्लाह अपने घर जा चुकी है छोटी सी गुड़िया, तो हमने अब देखें हमने वीडियो शूट करनी है। तो बाकी आपको अब न्यू वीडियोस जो हैं वो ये न्यू टेक्सचर आज जो हमने निकाला है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट अब आपको इस डिफरेंट टेक्सचर जो हैं उनकी क्रम्बलिंग देखने के में मिलेगी। बाकी सब कह रहे थे कि आप अपनी वर्क प्लेस जो है वो शेयर करें, ये मैं आपको अपनी वर्क प्लेस दिखाती हूँ जो कि आज हमने सारी छत रेडी की हुई है बहुत मेहनत के साथ। ये अभी हमने वीडियो शूट की है, ये डिफरेंट टेक्सचर्स हैं। हमारे लिए मसला ज़्यादा पता क्या हो रहा है कि हमारा माइक इतना अच्छा नहीं है, उसका साउंड जो है बहुत लो होता है, जिसकी वजह से जो प्योर टेक्सचर्स हैं उनका साउंड नहीं बनता। तो उसकी वजह से हम लोग प्योर डर्ट जैसे बहुत से, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था वीडियो के नीचे कि आप प्योर टेक्सचर्स की वीडियो शूट नहीं करती, हर टेक्सचर को ग्रेनी बना देती हैं, तो वो इसीलिए ग्रेनी बना देते हैं क्योंकि उसका साउंड क्रिएट नहीं होता। तो साउंड क्रिएट इसलिए नहीं होता प्योर का, शायद हमारा माइक उतना अच्छा नहीं है। तो वो जल्द हम इंशाल्लाह माइक जो है वो अरेंज कर रहे हैं ताकि आपको सिंपल जो प्योर टेक्सचर्स हैं, जैसे प्योर मड है, येलो मड है उसका, और प्योर सीमेंट का, क्योंकि प्योर सीमेंट की भी वीडियो हम इसीलिए शूट नहीं करते कि उसका साउंड क्रिएट नहीं होता। और वाटर में अगर आप बनाओ तो वो इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि वो सारा टेक्सचर जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो प्योर टेक्सचर्स के लिए आपके माइक का और जो साउंड है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह वी विल बी डू समथिंग अबाउट टू बाई न्यू माइक, तो फिर हम इंशाल्लाह प्योर डर्ट के टेक्सचर्स भी बनाएंगे। ये देखेंगे प्योर चारकोल की बाल्टियाँ, बकेट्स, मिनी बकेट्स हैं, और होल शेप मैंने बनाई है आज। इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी होल शेप बनाई है ताकि कुछ डिफरेंट हो। बाकी इंशाल्लाह आपको फिर न्यू डर्ट्स की वीडियोस भी जल्द इंशाल्लाह मिलेंगी। अभी हम टेक्सचर्स को रीन्यू करने पे काम कर रहे हैं, और ठीक है, बाकी आपको मैंने वीडियो शूट करते हुए के BTS भी दिखाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम ज़रूर और जो है वो डर्ट के टेक्सचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ एंड हेल्दी फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग।